नौच में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ऐसा ही ताजा मामला सोरेंग थाना क्षेत्र के ग्राम तालपाट से सामने आया है, जहां दबंगों ने थोड़ी सी बात पर एक युवक व उसके परिवार जनों को इतना पीटा कि वह लहूलुहान हो गया। उसके बाद उस घटना की शिकायत उसने थाना अध्यक्ष सोरेंग से की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की है। युवक व उसके परिवार जनों का कहना है कि आए दिन दबंग हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि क्या कर लोगे, इसको लेकर पूरे परिवार में भय का माहौल व्याप्त है। अगर कन्नौज पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जनता में क्या संदेश जाएगा। वैसे भी पुलिस पर कहीं ना कहीं लेन देन करके मामले को रफा दफा करने के आरोप लगते रहते हैं और इसी कारण दबंगों का अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहां के रहने वाले हैं और क्या मामला है? मेरा नाम गीतन है और नगरीय तालपाट सॉरी जिला कन्नौज रहने वाला हूं, और मीरा वर्मा जो है उनके द्वारा मैं मारपीट की गई। मैं सुबह में शाम को लगभग रात के 11-9 बजे तक मैं गाड़ी लेके जाए मतलब घर पे पहुँचा काम करके, मतलब लेबरी दुकान में काम करता, और मैं जैसे घर पे पहुँचा तो मतलब इन्होंने रास्ते में मुझे गिरा लिया, गाली गलत कर रहे, तो मतलब जब रास्ते में गिरा लिया मेरे मतलब, और फिर मतलब जैसे ही मैं गाड़ी छोड़ी मैं घर में घुस गया, तो उन्होंने गाड़ी फोड़ दी और घर में घुस गया, मतलब घर के अंदर में मारा मुझे जाके। अभी तक इस मामले में लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, मतलब और यही ये बोल रहे हैं मतलब कि पहले बोल रहे थे मेरे पिताजी को 3 महीने पहले पिताजी को मारा, और अब मुझे मैं तो मुझे बोल रहे हमने रिकॉर्डिंग मेरे साथ साथ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। झगड़ा किस बात को लेके हुआ? झगड़ा था गेहूँ काटने का, ये बोल रहे कि जमीन छीन लेंगे तुम्हारी, पुलिस वाले सामने बोला। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाली हो, क्या मामला है? अभी तक पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? साहब हम नौली के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड पे नगरिया ताल पार होने के रहने वाले। हमारे साहब 30 साल पहले से ही हमारे पीछे पड़ी जगह जमीन छीन ली, इसके बाद हमारे बच्चों को मारा, हमारे आदमी को मारा, हमारे आदमी थाने में पड़ा रहा, कोई ना सुनवाई नहीं। उसके बाद बच्चे का रस्ता मार रस्ता मार के उसके बाद करते मारवा के घर में घुस के मारो, ये बहुत बड़ी दमन गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया या नहीं? नहीं, कोई सुनवाई ना नहीं आई। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की है।